प्रतीक सहजपाल एक छोटा बच्चा है, एक छोटा जिद्दी बच्चा है। ओएमजी, ये क्या बोल गए एक्स बिग बॉस बिग बॉस कंटेस्टेंट, एक्चुअली एक्स ही हैं ये, इस सीजन में दोबारा आई हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट हूं दोस्त राहुल बोझ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो धनाधन फॉलो भी कर लें। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं एक जरूर इंपॉर्टेंट बात जो कि जुड़ी हुई है बिग बॉस के इस 15वें सीजन से। देवलीना भट्टाचार्य जी यानी कि सीजन 13 की ओएमजी गर्ल, बहु बनी बेब बनी डैश बनी डैश, तो भाई यहां पर देवलीना भट्टाचार्य जी ने अब बिग बॉस के पूछने पर एक क्लास हो रहा है जिसपे बिग बॉस के पूछने पर प्रतीक सहजपाल के बारे में एक बड़ी बात बोली है। प्रतीक सहजपाल एक जिद्दी बच्चा है, जब तक उसे एक चीज नहीं मिल जाती वो तब तक जिद करता है, हट करता है और वो जो है बवाल मचाता रहता है। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल के बारे में ये तो खैर हम सबको लगता ही है, प्रतीक सहजपाल बच्चा तो नहीं है लेकिन हाँ जिद्दी बहुत है और ये जिद अच्छी है अगर देखा जाए तो। बिग बॉस के घर में प्रतीक सहजपाल की ये जिद क्या उसे ट्रॉफी जीतने के लायक बना के रखेगी, क्या ट्रॉफी जीता पाएगी, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर हम कह सकते हैं कि बिग बॉस के बिग हाउस में अगर सबसे ज्यादा जिद्दी बच्चों की लिस्ट बने तो उनमें से नंबर वन पे प्रतीक का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि प्रतीक है, उसे ट्रॉफी के लिए एक भूख है, एक लगन है। पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि प्रतीक को अभी 3 मेजर कंटेंडर्स को हराना है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उसके रास्ते से बाहर निकल गया उमर रियाज जिसे मेकर्स ने बड़ी आसानी से बाहर निकाल दिया, शमिता तेजस्वी करण, इन तीनों को अगर प्रतीक जीत सकता है तो इन तीनों को ही हराना होगा, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी लग रहा है। खैर वैसे आप लोगों को इस बारे में क्या है कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।